जनपद जालौन के कोंच में लवली चौराहा के पास घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार जलकर खाक हो गई। यह घटना रात लगभग 2 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार रात्रि में अचानक कार में आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी, तो बाहर निकल के देखा मोहल्ले के निवासी ब्रिज किशोर की कार जल रही थी। तभी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी। सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचने के पहले ही कार जलकर खाक हो चुकी थी। गाड़ी मालिक के पुत्र मिथुन श्रीवास ने बताया कि वह ग्राम बरहल थाना कैलिया का निवासी है और लवली चौराहा के पास किराए के मकान में रहता है। उसने कहा कि किसी शरारती अज्ञात व्यक्ति ने आग लगाई है और इसमें 2 से 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। क्या हुआ, ये कैसे आग लगी? आग कोई अज्ञात व्यक्ति लगा गए हैं। हम लोग बरल ग्राम के निवासी हैं और हमारे भाई यहाँ किराए से रहते थे और जिला चाचा का मकान है, यहाँ गाड़ी रोज खड़ी करते थे। कोई अज्ञात आदमी आके इसमें आग लगा गया, काफी नुकसान हुआ इसमें, और 1.5-2 लाख नुकसान हो गया। पूरी गाड़ी खाक हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया। जब लोग बागों ने आग बुझाने की कोशिश की, जब नहीं बुझी तो गाड़ी आई, तब आग पे काबू पाया गया। लगभग कितना का नुकसान हुआ? लगभग 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची? हाँ जी बिल्कुल। जब तक गाड़ी पहुंची थी, गाड़ी खाक हो चुकी थी जी सर। अच्छा, आपको किसी पर इसका संदेह है? सर अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता सर, इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। कोई अज्ञात व्यक्ति की आशंका जताई जा रही है।